आपने फिल्म शोले के गब्बर सिंह का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन ये क्या, यहाँ तो गब्बर बनी अध्यापिका खुद ही सो रही है और बेचारे बच्चे सहमे हुए एक लाइन में बैठे हुए हैं, और वो भी बिना कुछ बोले, क्योंकि इन नौनिहालों को डर है कि अगर शोर होगा तो टीचर साहिबा की नींद खराब हो जाएगी, फिर क्या बच्चों को मार पड़ेगी। ऐसी है शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों की, स्कूल में पढ़ाने की जगह आराम फरमा रही है ये शिक्षिका। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के दरियापुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की, जहां पढ़ाई के नाम पर मजाक चल रहा है। आप प्राथमिक विद्यालय दरियापुर नंबर एक में आप पढ़ाती हैं, आप क्लास में बैठे आप लेटी हुई थी, सो रही थी, तो ऐसा आप बच्चों को पढ़ाने आते हो या सोने आते हो? पढ़ाने आते हैं सर, लेकिन तबीयत आज ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर को भी नहीं बता पाई, उल्टियाँ पुल्टियाँ हो रही थी। तो आपने इसकी सूचना अपने हेड इंचार्ज को नहीं दी? नहीं, दीदी को बुलाया था, सीमा मैडम को। तो फिर आप छुट्टी लेके घर जाते हैं? मेरे मकान मालिक है नहीं, वहाँ पर ताला लग रहा है, इसलिए नहीं गई। क्या नाम है आपका? जब स्कूल के अध्यापक और अध्यापिकाएं सोते रहेंगे तो कैसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी? जी हाँ, यही वजह है कि बच्चों की उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ पाता। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? विद्यालय दरियापुर है ना? कौन सी क्लास में हो? कक्षा छः में पढ़ते हो आप, और आप कक्षा छः में पढ़ते हो, आप अपना स्कूल का नाम नहीं बता सकते हो, तो आप क्या पढ़ते हो ये बताइए? आप यहाँ पढ़ने आते हो खेलने आते हो? पढ़ने। क्या पढ़ते हो आप मुझे बताइए, आप मुझे ABCD सुनाना। अभी तो आई हैं ये लड़कियाँ। एक मिनट मैडम, मुझे बात कर लेंगे। देखो मैडम, इसमें आप आज आपको फल में क्या मिला था? केले। क्या केले मिले थे? एक केला मिला है। और खाने में? सब्जी और रोटी। सुना आपने कि 6 में पढ़ने वाले बच्चों को अपने विद्यालय का नाम तक नहीं पता है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सवाल पूछे जाने पर अध्यापिका खुद का बचाव करते हुए बच्चों के ऊपर ही इल्जाम थोप देती है। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? पूर्व माध्यमिक विद्यालय दरियापुर। दरियापुर, अच्छा। आप कौन सी क्लास में? सिक्स में। आपकी अभी क्लास में एक बेटी है, उससे मैंने अभी पूछा था उसका स्कूल का नाम, और कक्षा सिक्स की क्लास में पढ़ती है, उसमें अभी बच्चे पे अपने स्कूल का नाम नहीं बता सकती, तो क्या पढ़ती है जो थी? आप क्या पढ़ाती हो? आप इस बात को पूछते ही नहीं, से पूछे या कितने दिन विद्यालय आते हैं? जी अभी तो फिलहाल विद्यालय में बच्चे बैठे हुए हैं। बैठे हुए, लेकिन पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहने में थोड़ी परेशानी हो गई उनसे बात। अच्छा, सिक्स की क्लास है? हाँ जी, ठीक है। 1 KG की बच्चा, आप पूरा नाम और पता बता देती है? वो बच्चे की दिमाग के ऊपर योगी सरकार के पश्चिमीय विद्यालय का ये है हाल। लाख प्रयास कर ले सरकार, गुरुजी सुधरने वाले नहीं है। हाथरस से NDTV भारत के लिए शफीक खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।